आईपीएस अधिकारी पूजा खेड़कर विवादों में है। कभी अधिकारियों से अलग अलग डिमांड, तो कभी मेडिकल एफिडेविट पर विवाद, कभी ओबीसी कोटा, तो कभी प्राइवेट ऑडी कार पर लाल बत्ती। ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर हर दिन एक नए विवाद में घिर रही हैं। पुणे में प्रोबेशनरी पीरियड पूरा होने के बाद पूजा खेड़कर को महाराष्ट्र में वासिम जेल में असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर नियुक्ति मिल गई है। वहीं उनसे जुड़े विवादों को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से भी एक सदस्यीय पैनल का गठन कर रिपोर्ट मांगी गई है। ऐसे में एक सवाल लाजमी हो जाता है कि अगर विभाग की जांच में पूजा खेड़कर दोषी पाई जाती हैं, तो इसके बाद उनके ऊपर किन धाराओं में एफआईआर दर्ज हो सकती है। मैं इस मामले को लेकर पूजा खेड़कर का क्या कहना है, सुनिए। मैंने आपको पहले भी बोला है, इस विषय में मैं कोई भी कमेंट नहीं कर सकती। नो, बट इट इज रिलेटेड टू माय थिंग, सो आई कैन नॉट टॉक अबाउट इट। दैट इज द रीजन पुलिस इज लुकिंग आफ्टर देम, बट दे आर अब्सकॉन्डिंग। नो, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू रिलेटेड टू दिस होल इशू। आई कैन नॉट से एनीथिंग बिकॉज द रूल्स डू नॉट परमिट मी टू से। वही मैं आपको बोल रही हूँ कि इस विषय में मैं मीडिया के साथ कुछ शेयर नहीं कर सकती। जो भी होगा मैं कमेटी के सामने करूँगी। आप जो भी कहेंगे मैं वही आपको फिर से कह रही हूँ कि इस इशू में मैं अभी कमेंट नहीं कर सकती। द सिविल सर्विस रूल्स डू नॉट परमिट मी। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि विभागीय जांच की रिपोर्ट क्या कहती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 311 के मुताबिक अगर कोई सिविल अधिकारी भर्ती संबंधी प्रक्रिया में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करता है, तो सबसे पहले विभागीय जांच होती है। उन आरोपों की सत्यता जांच होती है जो उनके ऊपर लगाए गए हैं। पूजा खेड़कर के मामले में शिकायत उनकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानी चीफ सेक्रेटरी के पास जाएगी। इस जांच के बाद रिपोर्ट सचिवालय को सौंप दी जाएगी। वहीं विभागीय जांच के दौरान आरोपी अधिकारी को सस्पेंड भी किया जा सकता है। अधिकारी को सस्पेंड करने की कार्रवाई इसलिए भी जरूरी हो जाती है ताकि जांच के दौरान किसी तरह का कोई दबाव ना बनाया जा सके। अब अगर विभाग की रिपोर्ट में पूजा खेड़कर फर्जी दस्तावेज जमा करने की दोषी पाई जाती है, तो फिर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। भारतीय न्याय संहिता के तहत पूजा खेड़कर पर धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल के लिए धारा 318(4), धारा 336(3) और धारा 340(2) के तहत केस दर्ज हो सकता है। बता दें, 32 साल की पूजा खेड़कर महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली है। उनके पिता दिलीप खेड़कर भी आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और रिटायर होने के बाद फिलहाल राजनीति में सक्रिय हैं। साल 2023 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर अपनी ज्वाइनिंग के बाद से ही विवादों में आई, जब उनके ऊपर पुणे में एडिशनल कलेक्टर अजय मोरे के दफ्तर पर कब्जा करने का आरोप लगा। ऐसे में आईएएस पूजा पर चल रही ये जांच आगे क्या मोड़ लेती है, ये देखना होगा। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।